दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी आर 9C लाइव हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। रिटर्न में जाएंगे, यहाँ से एनुअल रिटर्न पे जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी आर 9C लाइव हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, जीएसटी आर 9C देख सकते हैं, यहाँ पे आता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑफलाइन टूल के अंदर पहले जीएसटी फाइल को बनाते हो, फिर उसके बाद अपलोड करते हो। अब ऐसे में जब भी हम डाउनलोड सेक्शन में जाके ऑफलाइन टूल में जाके जीएसटी 9C के ऑफलाइन टूल को डाउनलोड कर रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे बताता है कि ये जो एक्सेल बेस्ड टूल है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 का दिखाता है। ठीक है, यहाँ बताता है कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए टैक्स पेयर सेल्फ सर्टिफाइड जीएसटी 9C को फाइल कर सकता है। अब जीएसटी 9C के सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे फाइल किया जा सकता है जीएसटी 9C को। पहले यहाँ पे CA के साइन होते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन होते थे, अब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन नहीं होंगे, साइन 9C में टैक्स पेयर के साइन होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यहाँ पे ये टूल दिखाता है, लेकिन अगर आप इस टूल को डाउनलोड करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ठीक है, और इस टूल को यहाँ पे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, ये ऑफलाइन यूटिलिटी है, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऑफलाइन टूल मेरे सिस्टम में ओपन होता नहीं है। अब दिखाता हूँ दोस्तों, ये एनेबल कंटेंट पे क्लिक किया, देखो यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 को सेलेक्ट करके 21-22 के 9C को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे दिखाता है कि 9C 21-22 के लिए ये टूल जो है 9C का 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। 21-22 की जीएसटी 9C को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को इस टूल का यूज़ करके प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, पोर्टल पे यहाँ 2021 दिखाता, लेकिन डाउनलोड करने पे टूल में अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे जो ये वर्डिंग है इसको चेंज अभी नहीं किया है जीएसटीएन ने, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप 9C की फाइलिंग शुरू कर सकते हैं इस टूल को डाउनलोड करके, क्योंकि इस टूल के अंदर अपडेट कर दिया गया है, अब 21-22 के जीएसटीएन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कुछ टेबलें मैंडेटरी है, कुछ टेबलें ऑप्शनल है। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन सी टेबल मैंडेटरी है और कौन सी टेबल ऑप्शनल है, नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों आज बात करूंगा जीएसटी 9C के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटी 9C के अंदर चेंजेस कर दिया गया है, अब जो कि पोर्टल पे इंप्लीमेंट होने वाला है, उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 14/22 को इशू करके, जो कि 5 जुलाई को इशू किया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 13 पे मैं आपको दिखाता हूँ जीएसटी 9C के लिए चेंजेस है। ठीक है, कि जीएसटी 9C में कौन कौन सी जो डिटेल होगी वो ऑप्शनल होगी और कौन कौन सी मैंडेटरी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये है पॉइंट नंबर 13, जो कि जीएसटी 9C के लिए है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कई सारी टेबल ऑप्शनल भी है और मैंडेटरी भी है, तो मैंने इस फॉर्म के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है, चेंजेस कर दिया है। जो भी चेंजेस होगा वो रेड में दिख जाएगा, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस कर दिया, और मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि फॉर्म जीएसटी 9C के अंदर जो कि 21-22 के लिए है, कौन कौन सी टेबल ऑप्शनल होगी या कौन कौन सी टेबल मैंडेटरी होगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके सामने इस तरह का कंटेंट मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटी 9C में क्या क्या डिटेल हमें देना होगा और कौन कौन सी मैंडेटरी होगी और कौन कौन सी ऑप्शनल होगी। सबसे पहले हम बात करें 5B के बारे में, तो टेबल नंबर 5B में फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट करिए कि रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है, चाहे तो 5B वाली डिटेल जो है 5B की जो डिटेल है वो सेपरेटली भर दे, या फिर इसको भरने की जरूरत नहीं है, इसकी रिपोर्टिंग, इसकी सारी रिपोर्टिंग वो टेबल नंबर 5O के अंदर कर सकता है। कोई भी अगर एडजस्टमेंट रहती है, जिसकी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी रिपोर्टिंग वो 5O के अंदर कर सकता है। तो दोस्तों ये है टेबल नंबर 5, जहाँ पे हमें रिकन्सिलेशन ऑफ ग्रोस टर्नओवर, हम अपने टर्नओवर की रिकन्सिलेशन करते हैं, जहाँ पे हम अपने ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो टर्नओवर है, जो हमारी सेल्स है,
उसको यहाँ पे देते हैं, मतलब कि जो आपने बैलेंस शीट के अंदर जिसका आपने ऑडिट कराया है उसकी टर्नओवर को देते हो और उसका रिकन्सिलेशन करते हो आप GST 9 की टर्नओवर से, GST की टर्नओवर से। ठीक है, तो यहाँ पे 5B के अंदर अनबिल्ड रिवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, देनी है इसकी डिटेल। तो इस वाले टेबल के लिए ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको फिल कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है तो टेबल नंबर 5O के अंदर भर सकते हो। ये है 5O, यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, रिकन्सिलेशन के लिए, टर्नओवर की रिकन्सिलेशन के लिए कोई भी एडजस्टमेंट रहती है, मान लो कि आपकी टर्नओवर में और GST की टर्नओवर, जो एनुअल रिटर्न की टर्नओवर, उसमें डिफरेंस आ रहा है, किसी भी वजह से आ रहा है, जैसे फ्रैट के वजह से या कोई इनडायरेक्ट इनकम है इसके वजह से या डायरेक्ट इनकम है उसकी वजह से, तो 5O में रिपोर्टिंग कर सकते हो, 5B को भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से 5C में भी सेम है, 5D में भी सेम है, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, K के बाद बात करें, 5L, 5L के बाद 5M, N, N, 5N तक सभी टेबलें ऑप्शनल है। ठीक है, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं क्विकली कि इन टेबलों में क्या क्या मांगते हैं। जैसे सी के अंदर बात करें तो अनएडजस्टेड एडवांस मांगते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कोई भी अनएडजस्टेड एडवांस है फाइनेंशियल ईयर के एंड में तो उसकी डिटेल देनी होती है आपको, तो इसको भी भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है आपके पास। डी में डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 के अंदर है, उसकी डिटेल आपको देनी होती है। ठीक है, तो इसकी भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्रेडिट नोट आपने इशू किया है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद लेकिन एनुअल रिटर्न में रिफ्लेक्ट है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है, तो ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। साथ ही साथ बात करें ट्रेड डिस्काउंट, जो कि अकाउंटेड है ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेकिन परमिसेबल GST के अंदर नहीं है, इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन है तो उसकी रिपोर्ट देनी होती है, तो ये भी ऑप्शनल है, भरने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल 17 से जून 17 वाली ये एप्लीकेबल नहीं होगी 21-22 के लिए। अनबिल रिवेन्यू है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी भरने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। अनएडजस्टेड एडवांस है एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। कोई भी क्रेडिट नोट है जो कि ऑडिट एनुअल स्टेटमेंट में है लेकिन परमिशेबल नहीं है GST के अंदर तो इसको भी भरने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। ऐसे ही एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई, कोई भी एडजस्टमेंट है जो गुड्स सप्लाई किया गया SEZ यूनिट के द्वारा DTA यूनिट को, तो ये भी ऑप्शनल है, भरना चाहो तो भर सकते हो या छोड़ सकते हैं। कंपोजिशन पीरियड के अंदर जो टर्नओवर है उसकी डिटेल देनी होती है, ये भी ऑप्शनल है। एडजस्टमेंट है टर्नओवर के अंदर सेक्शन 15 के हिसाब से, तो ये भी ऑप्शनल है, भरना चाहो तो भर सकते हो या छोड़ सकते हो। एडजस्टमेंट है टर्नओवर में फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन की वजह से, तो सेपरेटली इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो, ये भी ऑप्शनल है, भरना चाहो तो भर सकते हो या फिर इसको छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। कोई भी एडजस्टमेंट रहती है, मैंने आपको बताया 5B से लेके, ये देख सकते हैं 5B से लेके यहाँ पे N तक कोई भी एडजस्टमेंट है टर्नओवर के अंदर उसकी रिपोर्टिंग आप O में कर सकते हो, जैसे कि फ्रेट इनकम हो गया, इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम या कोई भी ऐसी इनकम जो आपकी टर्नओवर के रिकन्सिलेशन में डिफरेंस बना रहा हो, तो उस तरह की इनकम को आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम अपनी टर्नओवर के अंदर सेल्स तो दिखा देते हैं लेकिन फ्रेट अलग से दिखा देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, उतने का ही डिफरेंस बन के आ जाता है एनुअल रिटर्न की टर्नओवर में और हमारी बैलेंस शीट की टर्नओवर में, तो उसकी रिपोर्टिंग आप ओ वाले में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट वाली सेल्स की डिटेल, नील रेटेड नो GST सप्लाई की डिटेल देनी होती है, जीरो रेटेड टैक्स वाली जो सप्लाई है उसकी डिटेल, मतलब जिसके ऊपर टैक्स पेबल आपका नहीं बना है उसकी डिटेल देते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी है, 7 देना ही देना होगा। 9 की बात करें तो रेट वाइज टैक्स की डिटेल देनी होती है, ये भी मैंडेटरी है। और नीचे बात करें टेबल नंबर 11, इसमें एडिशनल अमाउंट बना है 6 और 8 की वजह से तो उसकी डिटेल देनी होती है, ये भी मैंडेटरी है, अगर बना है तो दे सकते हो आप। उसके बाद टेबल नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे इनपुट एक्स क्रेडिट का रिकन्सिलेशन देना होता है, तो ये भी टेबल नंबर 12 भी मैंडेटरी है। उसके बाद करें यहाँ पे रिकन्सिलेशन देना होता है ITC का, ठीक है, जो आपने एक्सपेंसेस किया है, जो एक्सपेंसेस के ऊपर आपने इनपुट क्रेडिट लिया है, यानी ITC का एक्सपेंसेस वाइज ब्रेकअप देना होता है कि परचेज का ITC कितना है, फ्रेट एंड कार्टेज का कितना है, फ्यूल एंड पावर का कितना है, इंपोर्ट गुड्स का कितना है, रेंट एंड इंश्योरेंस का कितना है, एम्प्लॉयज को सैलरी बोनस इसके ऊपर क्या है, कन्वेंस चार्जेस के ऊपर क्या है, बैंक चार्जेस के ऊपर क्या है, क्या है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस वाइज ITC का ब्रेकअप देना होगा।
टेबल नंबर 14 के अंदर। लेकिन यहाँ पे टेबल नंबर 14 की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल कर दिया है। ये देख सकते हैं, ये है टेबल नंबर 14, जहाँ पे 21-22 के लिए ऑप्शनल कर दिया, जहाँ बोलते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है इस टेबल को नहीं भरने की, मतलब भरना चाहे तो भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। मतलब टेबल नंबर 14 जो है ये ऑप्शनल है। एक्सपेंसेस वाइज ITC की जो ब्रेकअप देनी है आपको, वो आपको नहीं देनी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी ये एप्लीकेबल है, पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही सेम एप्लीकेबल है। उसके बाद बाकी जो टेबलें हैं मैंडेटरी है, चाहे टेबल नंबर 16 हो, जैसे कि ऑडिटर की कोई रिकमेंडेशन है, अमाउंट पेबल एडिशनल लाइबिलिटी बनती है तो उसकी डिटेल वो दे सकता है। उसके बाद यहाँ से टैक्स पेयर वेरिफिकेशन देके अपनी GST 9C को फाइल कर लेता है। तो दोस्तों ये है GST 9C के अंदर कुछ मैंडेटरी और ऑप्शनल टेबल। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।